लता जी की के लिए ये चूंकि एक डेडिकेशन भी हुआ है, ऐसे में आपके अंदर का गायक क्या कहता है लता जी के इस तरीके से रोकर मुझे छोड़कर चले जाने के लिए? बहुत ज्यादा रोता है अंदर के अंदर, क्योंकि मैंने उनको हमेशा सुना है, उनके गानों को जिया है, मैंने अपने अंदर बसाया है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ कि मैं काश 5% भी उनकी तरह गा सकूं तो ये मेरा जीवन सफल हो। क्योंकि साक्षात सरस्वती जिनको हमने धरती पे देखा था, और आज सरस्वती माँ अपने भवन में चली गई है, वापस अपने भवन में चली गई है। यहाँ पे लोगों को गाना किस तरह है ये सिखा के और दिखा के और राह रास्ता दिखा के उन्होंने इस दुनिया से विदा ली है। मैं उनकी आत्मा को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बहुत बहुत शांति मिले, और ऑलरेडी वो उनके पास बैठी है, यही मेरा फीलिंग है। आपके और लता जी के गाने कान में गूंजते हैं, बहुत सारे गुणी लोगों से एक सच्चा कलाकार जो है बहुत सीखता है, इस गुणी आत्मा से आपने कुछ सीखा है तो शेयर करना चाहेंगे? मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो सबसे पहले सुर का महत्व, सुर का रख रखाव कैसा होना चाहिए, ये उनके गानों से सीखा है। और उनके साथ इतनी सत्संग हुए म्यूजिक के ऊपर, और क्या कहते हैं ना, शब्द कैसा कहना चाहिए, सांस कहाँ लेनी चाहिए, गाना पेपर पे लिख के कहाँ सांस लेनी है, कहाँ मैंने क्या करना है, उसकी मार्किंग्स, ये मैंने उन्हीं से सीखी है। और बहुत वो मेरे ख्याल से आज तक भारतवर्ष में जितने भी सिंगर्स आए होंगे, जितने भी उनकी गुरु हैं, वो